बेचारे मजदूर गांव छोड़े और जहाँ आए ऐसे ऐसी बना हुआ है के अब बैठे को भूखे रहे का ले रहे गाय मारा के नाम है जावे सब एमएलए बने एमपी बने और अब की बात भोला राज की टिकट हाई करके का वो आराम मिल जाए हमें कोई दिक्कत ना है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मक्खनपुर के पास महिला सम्मेलन में किस तरह से महिलाओं का हुआ सम्मान आप स्वयं सुनिए। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार पर महिलाओं का आरोप, भाजपा में नहीं मिला महिलाओं को कोई सम्मान। सुबह से बस में भरकर लाए महिलाओं को नहीं दिया भोजन, केवल मुंह देखकर बांटा गया भोजन, महिलाएं लौटी भूखी। पर मुंह देख देख के आदमी बांटा तो चीज दे दिया मुंह देख देख के बांटा तो चीज आदमी अपने अपनी नुकु बोलो बोलो अपनी सवेरे के पास है ना मक्की आए सवेरे करते ना बानवाड़ी को पता नहीं रहेगा हमको बानवाड़ी काम छोड़े अपनो काम छोड़े दो पैसा के मजदूर काम छोड़े और जहाँ आए ऐसे ऐसी बना हुआ है के अब बैठे को भूखे रहे का ले रहेगा के नाम है। महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप, आरोपों से साफ प्रतीत होता है कि महिलाओं को बस में भर कर लाया गया। और कहा बिजली जलाएं तो 1000 का बिल और न जलाएं तो 1000 का बिल आ रहा है। बिजली के बिल की कीमत सुनिए, जलाओ तो 1000 है और न जलाओ तो 1000 आ रहे हैं। महिलाओं का कहना था कि सिलेंडर का फ्री का नाम कर दिया है और 1100 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। सिलेंडर की कीमत सुनी है मैं वह डिब्बा हूँ आखिर तो मोदी के सिलेंडर में 1200 को 1100 को सिलेंडर फ्री कर दो 1200 कर दे फ्री ऊपर तक पैसा आ रहा हूँ ऊपर तक पैसा आ रहा हूँ आए बिल लोग का तू वो उन्हें बेड़े में लड़ा लड़ा अरे खावे की बात ना भाई सब सम्मान की बात है। राजनीतिक सभाओं में भीड़ बसों में लाने का सिलसिला जारी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्ले स्टोर पर जाकर क्या ये न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है? और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड कीजिए।